कि गाइस हम पहुंच गए हैं आज माँ वैष्णो के धाम कटरा में, और जहां पर हम आए हैं शिवखोड़ी मार्ग पर एक बाबा जित्तो का मंदिर है। आप देखिए सामने ये मंदिर दिख रहा है, बाबा जित्तो जी का मंदिर है। ये बहुत ही पुराना मंदिर है, फेमस मंदिर है। तो इसके सामने ही ये जो रोड आती है वो कटरा से आती है, और ये शिवखोड़ी के लिए रोड जाती है। इसी रोड पे बाबा जित्तो के जस्ट सामने भैया का स्टॉल लगता है, और जहाँ पर मिलती है कचालू की चाट। आप देखिए ये देखने में कुछ कुछ अरवी जैसा लग रहा है, लेकिन अरवी नहीं है, ये है कचालू। ये इन्होंने छील के रखा हुआ है इसको। ये आप देखिए भैया जी, नाम बताएं आप अपना। सुमित। कितनी उम्र हो गई भैया आपकी? 17 साल। 17? तो भैया 17 साल के हो गए आप, तो कब से बना रहे हैं? यही 2 दिन से। 2-4 दिन से ही बना रहे हैं। तो पढ़ते भी हो गए फिर तो आप? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 11th क्लास में पढ़ते हो। तो ये काम आप पार्ट टाइम करते हो? तो पहले आपके पापा वगैरह भी करते थे, आप ही ने शुरू किया है? नहीं, मैंने शुरू। आप ही ने शुरू किया है? तो और क्या क्या बनाते हो? ये क्या रखा है भैया? सोयाबीन कुलचा रखा है। तो कुलचा दिखाए? अच्छा, छोले कुलचे भी हैं आपके पास। एक चीज बताए भैया, ये कचालू होता है, ये कच्चा आटा हुआ है ना, तो ये आपने उबाल के रख रखा है? उबाल के रख रखा है। एक बार दिखाए कैसे बनाते हैं आप? इसको ऐसे मसाले डाल के। अच्छा, मसाले डाल के बनाते हैं। तो आप बनाएं जरा एक। तो देखिए गाइस, ये भैया अपना कचालू की चाट को रेडी कर रहे हैं, जो कि इन्होंने पहले से ही उबाल के रेडी कर रखा था, और उसको छील के अब कचालू चाट बनाया जाएगा। उम्र के हिसाब से भैया का तजुर्बा कुछ ज़्यादा ही लग रहा है मुझे। तो भैया आपके पापा क्या करते हैं? घर में होते हैं। घर में होते हैं? घर में रहते हैं। अच्छा। तो ये डाले इन्होंने नमक मिर्ची और ये अजवाइन डाली। अच्छा, अजवाइन डलता है इसमें कचालू में? मिर्ची की चटनी। अच्छा, ये मिर्ची की चटनी रहती है? तो खाली मिर्ची रहती है, धनिया भी रहता है? मिर्ची, धनिया, पुदीना। अच्छा, सब कुछ रहता है। इमली। अच्छा, ये इमली की चटनी रहती है? अरे वाह, देखिएगा ये इमली की चटनी है इनकी। तो खट्टी मीठी होती होगी? खट्टी रहती है। साथ में गैस के ऊपर नींबू, तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आने वाला है फिर तो। देखने में तो भाई बहुत ही डिलीशियस लग रही है। तो भाई हमारी कचालू चाट आ गई है, देखने में कुछ कुछ अरबी जैसी है, टेस्ट करके देखते हैं कैसी है। एक नया फूड है, मिलती है बहुत सारी जगह मिलती है, लेकिन यहाँ पर हमें नया लगा जी। ग्वालियर में तो नहीं मिलती, कहीं नहीं मिलती कचालू चाट। टेस्ट करते हैं और देखते हैं। और गाइस मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि ये पत्ता है ना, केवल इतनी सारी चाट जो देख रहे हैं आप, ये है केवल 20 रुपये की, जिसमें बहुत सारी चीज़ें डाली हुई हैं। नमक है, मिर्ची है, इमली की चटनी है। लेते हैं इसकी बाइट और देखते हैं कैसा स्वाद है इसका। इसका जो टेस्ट है ना, काफ़ी यूनिक है। अरबी का स्वाद आ रहा है, बाकी अरबी के स्वाद से काफ़ी डिफरेंट है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, इमली का फ्लेवर भी बहुत अच्छा आ रहा है, और इन्होंने जो हरी मिर्ची की चटनी डाली है उसका भी फ्लेवर बहुत अच्छा आ रहा है। अगर आपको भी खानी है कचालू वाली चाट, तो आपको आना पड़ेगा अगार बाबा जित्तो पर, जो शिवखोड़ी वाली रोड जाती है, वहाँ पे बीच में मंदिर पड़ता है, उसके सामने भैया का स्टॉल लगता है। तो आप एक बार आएँ, इनकी चाट ट्राई करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को करें सब्सक्राइब, और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।